हृदय में आघात किया, हमलोगों की आत्मा रो रही है और आत्मा रो रही है। और हम सबको जानते हैं जिस प्रकार से पांडु एक पवित्र स्थल है, पांडव के नाम से बनाए गए स्थान है, और उस स्थान पर एक अन्याय का काम हुआ, अन्याय का काम हुआ। और अन्याय के दृष्टिकोण से इस प्रकार से एक समाज जिसको हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक समाज के द्वारा महादलित समाज पर हमले हुए, आक्रमण हुआ है उनके घरों पर, उनके घर को बुलडोज किया गया, बुलडोजर से उनके घर को सफाचक कर, उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को किडनैपिंग किया गया और छतरपुर के एक घनघोर जंगल में फेंक दिया गया। मैं उन बच्चों को देख रहा था, उन बच्चों को चोट आई है और दोष क्या है उनका? दोष यह है कि उनके पुश्तैनी जमीन पर वो रहते हैं। 179 वर्ष बाप दादा परदादा छकर दादा के कालखंड से रहने वाले लोगों को जिस ढंग से घर को तोड़ा गया है, ये अधिकार उनको किसने दिया है? ऐसा महसूस होता है कि जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनी, तब से तुष्टिकरण की राजनीति के कारण ऐसे असामाजिक तत्व और अपराधियों का तांडव पूरे प्रदेश में हुआ, और ये उसी का एक कड़ी है। इसलिए मैं मानता हूं इस घटना को राज्य की सरकार और जिला प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। आज भी देखिए जिस प्रकार से लोग रह रहे हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, और रहने का मूल कारण क्या है कि सरकार का एक नुमाइंदा भी नहीं यहाँ पर आया, कोई कांग्रेस का नहीं, आरजेडी का नहीं, जेएनएम का आदमी इनके हाथों को पोंछने के लिए आने के बाद वैसे लोग आए जो आ करके इनके तकलीफ को बढ़ाने का काम कहा कि क्यों उन पर FIR हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग है कि पूरे गांव के लोग इनके घरों को तोड़ा है, इनके बच्चों को किडनैप किया है, और इसलिए सभी लोगों पर, सभी गांव के चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उन पर FIR दर्ज हो, सभी के साथ नाम दर्ज, उनके नामों के साथ FIR दर्ज होना चाहिए और 24 घंटे के अंदर उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये परिवार जहां पर रहता था उसी परिवार को रहने की सरकार स्वीकृति दे, क्योंकि वो उनकी जमीन है और जिस जमीन में जिसका हक है उसके हक को हटाने का, उनको हटाने का कोई अधिकार राज्य की सरकार और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को नहीं है। ये पूरी तरह से घटना यहाँ के स्थानीय प्रशासन इसके दोष है। और दूसरी बात, वहाँ पर मंदिर तोड़े गए, हमारे लिए वो आस्था का विषय है, शंकर भगवान के मंदिर को तोड़ा गया है, और काप जिन लोगों ने तोड़ा उनके हाथ क्यों नहीं काप रहे थे? इन गरीबों को झमकाते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, दरिद्र के यहाँ आम लोगों के, गरीब के यहाँ भगवान बसते, इनको तकलीफ देने के समय में उनके रूह क्यों नहीं काँपे? आखिर इतनी हिम्मत आती कैसे है? इसलिए कि तुष्टिकरण की राजनीति राज्य की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, आरजेडी के लोग कर रहे हैं, और ये महादलित के जब से इनकी सरकार बनी है तब से आदिवासियों के साथ और महादलितों के साथ कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आज प्रहार किया जा रहा है, उनके हक और हुकूक को छीनने का काम राज्य की सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि महादलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, बहनों के साथ अगर और किसी के साथ भी अगर अत्याचार होगा, अनाचार होगा, तो उसके साथ खड़ा नजर आएगा और उसकी आक्रोश की अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी बनी। इनका कोई अभी पहचान पत्र नहीं है, उसमें पता बदलने की बात। देखिए, अब मैं जिला प्रशासन को यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ, यहाँ के उपायुक्त को, कमिश्नर को, होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को, जहाँ पर रहते थे उसी स्थान का पता आधार कार्ड में होना चाहिए, और इनके साथ इनके पुश्तैनी जगह उसको हटाने का अधिकार किसने दे दिया उनको? अगर कल आकर के हम भी उनको हटा दे इसी प्रकार से, तो बलात् पूर्वक हम हटा दे तो कैसा लगेगा उनको? बीजेपी क्या करेगी आगे? बीजेपी सबसे ज्यादा संवेदनशील पार्टी है और संवेदनशीलता का परिचय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे विधायक, मैं यहाँ के विधायक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।
चंद्रवती जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जब तकलीफ आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ के विधायक ने आगे बढ़ करके इनकी सेवा करने का संकल्प लिया है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से समाज के ऐसे लोगों को, पीड़ित लोगों को, दलित लोगों को और अंतिम पायदान में जो बैठा हुआ है उसकी सेवा करने का संकल्प जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता उसी दिन। सिर्फ पांडू के ही मुसहरों के लिए ऐसा रहेगा? पूरे प्रदेश में जामताड़ा में भी इसी प्रकार की घटना घटी थी, जमीनों को छीनने का काम किया था, वहां पर हम सब लोगों ने मिलकर के उस जमीन को वापस करने और करवाने का काम किया। पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटी है।